तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा लुक में अच्छा लग रहा है डेटा। अब जो सिंपल जो आपको सिंपल क्लिक करना है और ये जो आपका काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम, एक्सेल की एक और क्यूरी के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, इसमें मेरे पास जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल्स का डेटा है, जिसमें मेरे पास यहाँ पे जो मटेरियल कोड्स आ रहे हैं, इसकी डिस्क्रिप्शन है, टाइप है, और फिर यहाँ पे जो उसकी मंथ वाइज जो सेल आ रही है। अब आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एक फार्मूला लगाया हुआ है मैंने सब टोटल का और सब काउंट का। ठीक है, ये काउंट कर रहा है और ये टोटल कर रहा है, यानी कि जब मैं किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करूँगा तो ये उसी का जो है वो मुझे काउंट भी बता रहा है और साथ ही जो है वो सब टोटल भी बता रहा है। मैं इसको देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंट आ रहा है वो 623 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पर इसका सम चेक करूँ तो यहाँ पर देखें इसका काउंट भी बता रहा है, सम भी बता रहा है, वो ये वाला सम आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो होता है सब काउंट और सब टोटल का एक फार्मूला होता है जिसमें आप काउंट और सम जो है वो कर सकते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे जैसे आप जो है वो चेंज करते हैं तो जिस भी आप सिलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये उसी हिसाब से जो है उसका काउंट और सब टोटल जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। अच्छा, ये किस तरीके से लगाते हैं तो इसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वो जो है मैं आपको लिंक में शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है उसको वॉच कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मुझे बार बार जाके जो पहले ये सिलेक्ट करो, फिर उसको रिमूव करो, फिर चेक लगाओ दोबारा, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको मुझे थोड़ा एडवांस बनाना है, तो मैं किस तरह बनाऊँगा, मैं क्या करता हूँ, सिंपल पहले आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और अपने होम पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से इसको कर लेंगे टेबल। ठीक है, टेबल की कोई सी फॉर्मेट आप ले सकते हैं, जैसे ब्लैक आ रही है, ये अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ पर आप जो इसकी जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वो कलर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कलर होते हैं, ये शेडेड है, तो यहाँ से जो आप टेबल की जो भी फॉर्मेट रखना चाहें वो रख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रही, आप वैसे ही रखना चाहते हैं तो उसको ब्लैंक को सिलेक्ट कर लें, तो आपका जो है बस ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा डेटा और फॉर्मेट जो है वो आपकी वही रहेगी जो आपने की हुई है। ठीक है, अच्छा, अब ये करने के बाद फिर आप इस पर लगा सकते हैं स्लाइसर। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा था टेबल डिज़ाइन के अंदर स्लाइसर का, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और किस उससे स्लाइसर लगाना चाहते हैं, मैं टाइप्स लगाना चाहता हूँ, और उसको कर देंगे ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो स्लाइसर आ गया है ABCD कैटेगरी का। ठीक है, जो यहाँ पर आ रहे थे सारे वही चीज़ें इसमें आ रही हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल जैसे मैं ए सेलेक्ट करूँगा तो ए को फिल्टर कर देगा, बी को कर देगा, सी और डी। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा एडवांस लग रहा है, इसको हम थोड़ा सा लुक जो है उसका अच्छा कर देते हैं ताकि जो है वो ये थोड़ा लुक में अच्छा लगे। स्लाइसर की सेटिंग में आएंगे, वहाँ से कॉलम कम कर देते हैं 4। उसको भी आप डिज़ाइन देना चाहते हैं सर, डिज़ाइन दे सकते हैं, उसको भी डिज़ाइन दे देते हैं, और अपने टेबल को भी जो है वो यही डिज़ाइन दे देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि थोड़ा लुक में अच्छा लग रहा है डेटा। अब जो सिंपल जो आपको सिंपल क्लिक करना है और ये जो आपका काम करेगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल माई डैड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।